Hello, my dear students. I hope you all are taking good care of yourselves at your home. Children, today I am going to teach you a new lesson from your English grammar book. That is the first lesson, the sentence and the phrase. बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर बुक का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ए सेंटेंस एंड फ्रेज। इन दिस लेसन वी विल लर्न व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सेप्ट्स। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। At first, we will learn about sentence and its concepts. सबसे पहले हम sentence और उसके concepts के बारे में पढ़ेंगे। What is a sentence? A sentence is a group of words that gives complete sense. हिंदी में इसका परिभाषा है, शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो। What are its main concepts? इसके main concepts क्या क्या है? A sentence always begins with a capital letter. एक sentence है हमेशा capital letter से शुरू होता है। It ends with a full stop. इसके end में full stop लगते हैं। A sentence must have a verb. एक sentence में एक verb होता है। Verb means क्रिया। Children, when we write or speak, we use lot of words to express our message to people. बच्चों, जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तब हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे मन की बात को लोगों तक पहुंचा सके। Grouping of words is not sufficient. शब्दों को एकत्रित करना काफ़ी नहीं है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव टू बी इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इन शब्दों के समूह एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम पढ़ते हैं। प्लेस ही क्रिकेट। A rides bicycle, Riya. Do these words convey any thoughts or idea? क्या बच्चों इन शब्दों के समूह से कुछ कोई मीनिंग निकलता है? नहीं। Do you think it is correct? No, it is not correct. इन शब्दों को एक सीक्वेंस में अरेंज करने पर इसका करेक्ट मीनिंग निकलता है। ही प्लेज क्रिकेट, रिया राइड्स ए बाइसिकल। अब इन शब्दों को रीअरेंज किया तब इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फ्रेज एंड इट्स मेन कॉन्सेप्ट्स। अब हम फ्रेज और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज भी शब्दों का समूह है जिसका थोड़ा बहुत अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसका मेन कॉन्सेप्ट इस प्रकार है। ए फ्रेज हैज नेदर ए सब्जेक्ट नॉर ए वर्ब। वाक्यांश के अंदर ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया। यानी फ्रेज के अंदर ना ही कोई कर्ता है और ना ही कोई वर्ब है। ये फ्रेज डस नॉट फॉलो कैपिटलाइजेशन और एंड पंक्चुएशन। सेंटेंस किस तरह फ्रेज में फ्रेज का शुरुआत कोई कैपिटल लेटर से या इसकी एंड में कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। ऑन द टेबल
इन द क्लास, ये भी कुछ शब्दों का समूह है लेकिन इसका थोड़ा बहुत अर्थ निकलता है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, लेकिन टेबल के ऊपर क्या कोई अर्थ कंप्लीट नहीं है। अगर मान लो इसके आगे द बुक इज ऑन द टेबल लिखा होता तो उसका कंप्लीट अर्थ निकलता। इन द क्लास, अब इन द क्लास का मतलब क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर कौन क्या कुछ भी नहीं मालूम। अगर ऐसा कहता है द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास तो इसका अर्थ निकलता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। बाय बाय।